फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो Pinch.51 सेविंग क्रिएशन। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं हैंडमेड वेजिटेबल बेक। बेक के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और उसका मेजरमेंट है, उसकी विड्थ हमने ली है 15 इंच और उसकी लेंथ है 19 इंच। ऐसे हमें दो पीस चाहिए जिस पर हम कट लगाएंगे। हमने दो पीस ऐसे कट कर लिए और हमें दो लाइनिंग पीस लेने हैं, वो भी हमने इस मेजरमेंट से कट कर लिए हैं। अब हमें जिपर के लिए यहाँ पे 7 इंच पे मार्क लगाना है। अब मैंने एक फैब्रिक लिया है जिस पर हमने 7 इंच पे मार्क लगाया था, उस पर हम जिप लगाएंगे। पहले इस मार्क पे हम कट कर लेते हैं। जिप को हमें ऐसे उल्टा रखना है, इसे सिलाई लगा देनी है। ऐसे करके इसके ऊपर भी हमें सिलाई चलानी है। अब दूसरे पीस को हमें इसे उल्टा रखना है। अब इसमें हम ये रनर लगाएंगे। अब उसे उल्टा करके हमें इस पर लाइनिंग पीस लगाना है। इसे चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे चारों तरफ से हम
इसे सिलाई लगाने के। अब इस पीस को हम, जिसका मेजरमेंट था 5 इंच और इसका 15 इंच, इसको हमें यहाँ पे जीपर के ऊपर लगाना है। को हमने ऐसे स्टिच कर लिया है और दूसरे पीस पर भी ऐसे स्टिच करना है। अब दोनों पीस को हमने ऐसे बेल्ट लगा के रेडी कर लिया है। अब हमें एक पीस लेना है और यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क लगाना है। पीस को ऐसे फोल्ड करना है दोनों साइड को ऐसे रख के। यहाँ पे हम इस पर हमें कट लगाना है। दूसरी साइड पे ऐसे हमें ऐसे करके मार्क लगा लेना है। अब दोनों पीस को हमें ऐसे ही रेडी करना है। इस तरह से कट करके हमें दोनों पीस को रेडी कर लेना है। अब पीस को यहाँ पे फोल्ड करके हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, यहाँ पे 1 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ पर भी हमें 1 इंच पे मार्क लगाना है। इसे मार्क लगा के हम कट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे मैंने एक पीस लिया है और उसे उल्टा करके यहाँ पे रखना है और यहाँ पे चारों तरफ सिलाई चलानी है। इसको ऐसे कट करना है, ये चारों तरफ से हमें कट कर लेना है। ऐसे कट लगा के अब लाइनिंग पीस को हमें ऐसे उल्टा लेना है। और यहाँ पे चारों तरफ स्टिच लगाना है। और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब ऐसे तैयार कर लेना है और अब हमने ये पट्टी ली है वो यहाँ पे लगानी है।
दोनों साइड हमें पट्टी लगा के रेडी कर लेना है। और अब इसको ऐसे रख के हम स्टिच लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से यहां भी हमें इसे स्टिच करना है। अब एक पीस को हमने ऐसे रेडी कर लिया है और दूसरे पीस को भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगाना है यहाँ कट से लेकर, और इसका मेजरमेंट लेना है। यहाँ 43 पे हमें मार्क लगाना है। अब हमें 43 इंच का बेल्ट लेना है। इसका मेजरमेंट है 5 इंच और लंबाई है 43 इंच। इसको हमें लाइनिंग पिन से अटैच करना है। हम दोनों को ऐसे अटैच कर लेंगे। इस बेल्ट पे हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और लाइनिंग पीस को हमने ऐसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे, उसको उल्टा कर देना है और यहाँ पे पाइपिंग स्टिच करनी है। बेल्ट पे हमने दोनों सब तरफ से पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब इसको ऐसे लेना है और यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगानी है। हमने ऐसे अटैच कर लिया है और अब दूसरे पीस को भी हम ऐसे रखना है और दूसरी साइड यहां से तीनों साइड अटैच करना है। यहां पे हमने मार्क लगा दिया है, वहां पे हम जिप को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें अटैच करना है और यहाँ से हम रनर को डालेंगे।
यहाँ से हमें जिप को खोल देना है। अब हम यहाँ पे ये ब्लैक कलर की मैंने पाइपिंग ली है वो लगाएंगे, तीनों साइड को पाइपिंग से अटैच कर देंगे। हमारा बैग बनकर रेडी हो गया है।